तो स्वागत है आप सभी का ज्ञापन अकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में। और ये जो वीडियो है आप लोगों के उर्दू फॉर बिगिनर यानी कि UFB का पार्ट 17 है, जिसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं चार अक्षर से मिलकर बने ऊ मात्रा वाले उर्दू के शब्द, जो कि बहुत ज़्यादा आसान है। बहुत ही अच्छे तरीके से हम लोग समझेंगे ताकि हर एक चीज़ डायरेक्ट माइंड में घुसे और हर एक चीज़ समझ में आए। ठीक, देखिए चार अक्षर से मिलकर बने ऊ मात्रा वाले शब्द, ढेर सारे शब्दों को मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। सपोज सबसे पहले मान लीजिए आप लोगों को मेरा नाम लिखना है, मुस्कान। मुस्कान में देख लीजिए चार अक्षर है, म है, स है, क है और न है, मुस्कान। तो कैसे लिखा जाएगा, सबसे पहला शब्द यही है। तो देखिए आप लोगों को सबसे पहले ये देखना है कि पहला अक्षर क्या है। पहला अक्षर है मू। तो सोचिए कि म को उर्दू में क्या कहते हैं, तो म को उर्दू में मीम कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट लिख दीजिए, ये देखिए मीम से तो म हो गया, बट यहाँ पर क्या है, मू है, यानी कि ऊ की मात्रा में है। तो जब भी कोई अक्षर ऊ की मात्रा में होता है तो हम उसको उर्दू में ऊ की मात्रा में बदलने के लिए क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ कि बड़ा वाला ऊ। देखिए मुँह में ना छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम क्या करते हैं, उस हर्फ यानी कि उस अक्षर के ऊपर सिर्फ पेश जोड़ देते हैं। जब पेश लगा देते हैं तो वो ऊ की मात्रा में बदल जाता है। तो देखिए यहाँ पर मीम से तो म हो गया, अब इसको मुँह बनाने के लिए सिर्फ मीम के ऊपर क्या करेंगे, आप पेश लगा देंगे। तो मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुँह हो जाएगा। उसके बाद से स है, और वो भी नहीं तो आधा स है। तो आप सोचिए पूरा स को उर्दू में क्या कहते हैं, स को उर्दू में सीन कहते हैं, छोटी सीन। ठीक, लेकिन यहाँ पर क्या है, आधा स है। देखिए ये है आप लोगों का सीन, इस सीन से ये पूरा स होता है, लेकिन यहाँ पर आधा स है इस तरह, तो इसको भी आधा करना पड़ेगा ना सीन को। तो देखिए इसको भी आधा कर दीजिए, हटा दीजिए ऐसे। ठीक है, तो ये हो गया आधा सीन से आधा स। ठीक, आधा सीन से आधा स हो गया। और उसके बाद से अगला अक्षर क्या है, देखिए तो अगला अक्षर है का। क को उर्दू में क्या कहते हैं, क को उर्दू में काफ कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट काफ लिख दीजिए, काफ से क हो गया। का बनाने के लिए इसमें अलिफ जोड़ देंगे काफ में। और उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, तो नून कहते हैं, लिख दीजिए। अब इन सब को जोड़ दीजिए, आराम से मुस्कान आप लोग लिख पाएंगे। ठीक, मेरा नाम है, चलिए मुस्कान लिखिए। अब इन सब को जोड़िए तभी तो मुस्कान लिखा जाएगा ना। देखिए मीम का आधा भाग, ये बिंदु वाला भाग उठाया जाता है, आप लोग जानते हैं, उठा लीजिए। ये देखिए मीम लिख दिए, और मीम के ऊपर तो पेश है ही है, मीम के ऊपर, चलिए मैं पेश लिख देती हूँ। मीम के ऊपर पेश जुड़कर ये हो गया मुँह, छोटा वाला मुँह। और उसके बाद से अब इसमें सीन जोड़ना होगा स, तो सीन का ये आधा भाग जो है वो यहीं पर लाकर ऐसे मीम में जोड़ दीजिए। देखिए मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुँह हो गया, और ये हो गया आप लोगों का सीन से स। और उसके बाद से काफ का ये आधा भाग उठा लीजिए जोड़ने के लिए। ठीक, तो काफ का जब आधा भाग उठाएंगे तो ये सीधा वाला भाग जो है ना ये गोल हो जाएगा। देखिए ऐसे ये सीधा वाला भाग जो है यहाँ पर सीधा ना रहकर क्या हो जाएगा, ऐसे गोल हो जाएगा। ठीक, ऐसे गोल कर्व हो जाएगा। तो ये हो गया आप लोगों का काफ से क। का बनाने के लिए ये जो अलिफ है इसी काफ में ऐसे ले जाकर जोड़ देंगे। ठीक, और उसके बाद से ये जो नून है, नून से ना ये पूरा नून को ले जाकर यहाँ पर चिपका दीजिए। तो देखिए मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुँह, सीन से स मुस, और काफ में अलिफ जुड़कर का, और नून से न मुस्कान, मुस्कान। ठीक, चलिए अब आगे बढ़ते हैं मुबारक। मुबारक में सबसे पहला अक्षर क्या है, मुँह है। तो अभी मैं आप लोगों को बताई म को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। तो यहाँ पर फटाफट मीम लिख दीजिए, मीम से तो म हो गया, और उसके बाद से यहाँ पर क्या है, मुँह है। तो देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है। छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग उस अक्षर के ऊपर सिर्फ पेश जोड़ देते हैं। तो मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुँह हो जाएगा। उसके बाद से बा है, बा को उर्दू में कहते हैं बे, तो बे लिख दीजिए। बे से ब हो गया, बा बनाने के लिए अलिफ जो है बे में जोड़ देंगे। उसके बाद से र है, र को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। उसके बाद से क, क को उर्दू में क्या कहते हैं, क को उर्दू में काफ कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर लिख दीजिए काफ से क। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आसानी से मुबारक भी लिख लेंगे आप। ठीक है, तो देखिए मीम का आप जानते हैं आधा भाग उठाया जाता है। ठीक, तो उठा लीजिए, और मीम के ऊपर तो पेश ही है लेकिन पेश लिखा नहीं जाता है। मैं आप लोग को क्या बताई हूँ, देखिए यहाँ पर जो है ना पेश, इसको भी मिटा देंगे और इसको भी मिटा देंगे, ऐसा मन में मानेंगे कि ऊपर क्या है, पेश है। कहीं पर भी ज़बरदेर पेश नहीं लिखा जाता है। ठीक, तो इसके ऊपर भी पेश है, इसके ऊपर भी पेश है। मीम के ऊपर पेश जुड़कर ये हो गया है मुँह। ठीक, बोले हम लोग नहीं दिखा रहे हैं लेकिन ऊपर क्या है, पेश है। ठीक, तो मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुँह, और उसके बाद से ये बे है, इसको जोड़ने के लिए बे का आधा भाग उठा लीजिए। तो उठा लिए, ये देखिए बे से तो ब हो गया,
और उसके बाद से बा बनाने के लिए जो अलिफ है इसी बे में ऐसे ले जाकर जोड़ देंगे। तो देखिए मीम के ऊपर तो पेश ही है मुँह और बे में अलिफ जुड़कर बा, मुँह बा, और उसके बाद से ये जो रे है ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए और काफ पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे इसको भी चिपका दीजिए। तो देखिए मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुँह, बे में अलिफ जुड़कर बा, मुँह बा और रे से रा और काफ से करक, मुबारक मुबारक। सिंपल, कितना आसान है। ठीक, आगे बढ़िए मुलाकात। मुलाकात में सबसे पहला अक्षर मुँह ही है, मक उर्दू में मीम कहते हैं, लिख दीजिए फटाफट। देखिए कौन सा वाला वो की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा वाला वो की मात्रा है, तो छोटा वाला वो की मात्रा रहता है तो ऊपर पेश लगा देते हैं तो वो मुँह की मात्रा में ऊ की मात्रा में बदल जाएगा। और उसके बाद से ला है, ला को उर्दू में लाम कहते हैं, ला बनाने के लिए इसी लाम में क्या कर देंगे, अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से का है, यहाँ पर नीचे बिंदु वाला क है, का में नीचे क्या है, बिंदु वाला क है, तो इस क को उर्दू में क्या कहते हैं, इस क को उर्दू में काफ कहते हैं। देखिए ये वाला काफ, इस काफ से ये बिंदु वाला क होता है। ठीक, तो काफ से तो क हो गया, का बनाने के लिए इसी काफ में क्या करेंगे, अलिफ जोड़ देंगे। और उसके बाद से लास्ट वाला अक्षर क्या है, त, त को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं, तो यहाँ पर ते लिख दीजिए। बस अब इन सबको जोड़ दीजिए। अब इन सबको जोड़ने के लिए क्या करेंगे, मीम का ये बिंदु वाला यानी कि आधा भाग उठाएंगे, उठा लीजिए। देखिए मीम का आधा भाग उठा लिए, बिंदु वाला भाग, तो ये हो गया मीम। और इसके ऊपर तो पेश ही है तो मुंह हो गया है, मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुंह हो गया। उसके बाद से लाम का आधा भाग उठा लीजिए, लाम का आधा भाग उठा लेना है। ठीक, उठा लिए। और उसके बाद से लाम से तो ला हो गया, लेकिन ला बनाने के लिए जो अलिफ है लाम में ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे। तो देखिए मीम के ऊपर पेश है तो मुँह और लाम में अलिफ जुड़कर ला। अब देखिए का लिखना है तो काफ का आधा भाग उठाइए, काफ का आधा भाग उठा लिए, ये हो गया आप लोगों का काफ से क, का बनाने के लिए जो अलिफ है ले जाकर काफ में जोड़ दीजिए, का हो गया। और उसके बाद से त ले जाकर लास्ट में चिपका दीजिए। देखिए मुँह ला का त, मुलाकात। सिंपल, आगे बढ़िए मुसाफिर। मुसाफिर में इसमें भी पहला अक्षर क्या है, मुँह है, तो इसको मक उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है तो मीम के ऊपर क्या करेंगे, पेश लगा देंगे। ठीक, और उसके बाद से सा है, सौ उर्दू में क्या कहते हैं, सीन कहते हैं, सीन से सौ हो गया, बट सा बनाने के लिए सीन में आप अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से फी है, फा उर्दू में फे कहते हैं, तो यहाँ पर फटाफट फे लिख दीजिए। फे से तो फा हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, फी है, यानी कि ई की मात्रा में है। ठीक, तो जब भी ई की मात्रा में किसी भी अक्षर को, किसी भी हर्फ को बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि कौन सा वाला ई की मात्रा है, क्या छोटी वाली ई की मात्रा है कि बड़ी वाली ई की मात्रा है। तो देखिए फी में छोटी वाली ई की मात्रा है। ठीक, तो जब छोटी वाली ई की मात्रा होती है तो हम उस अक्षर को ई की मात्रा में बदलने के क्या करते हैं, सिर्फ जेर जोड़ देते हैं, यानी कि फे से तो फ हो गया, इसको छोटी वाली ई की मात्रा में बदलने के लिए इस फे के नीचे सिर्फ जेर जोड़ देंगे, तो ये फी हो गया, बात ख़त्म। किसी भी अक्षर को छोटी ई की मात्रा में बदलने के लिए हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उस अक्षर के, उस हर्फ के नीचे जेर जोड़ देते हैं। तो देखिए फे से तो फ था, अब छोटी वाली फी बनाने के लिए सिर्फ फे के नीचे क्या कर दिए, जेर जोड़ दिए। ठीक, तो ये हो जाएगा फी। और उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सब को जोड़ दीजिए। देखिए मीम का आधा भाग उठाइए, मीम का आधा भाग उठा लिए, ये बिंदु वाला भाग। ठीक, और मीम के ऊपर तो पेश है ही है तो मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुंह, और उसके बाद से सीन का ये आधा भाग उठा लीजिए, सीन का आधा भाग उठा लिए। ठीक, और उसके बाद सीन से तो सा हो गया, सा बनाने के लिए जो अलिफ है ये ले जाकर सीन में ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए मीम के ऊपर तो पेश है तो मुँह और सीन में अलिफ जुड़कर सा, मूसा, और उसके बाद से फे का ये आधा भाग उठा लीजिए, फे का आधा भाग उठा लिए, और फे से तो फा हो गया, यहाँ पर क्या है, फी है, तो फे के नीचे जेर लगाएंगे तभी तो फी होगा ना, तो फे के नीचे जेर लगा दिए, फे के नीचे ये जेर लगाए, यहाँ पर भी लगा दिए, फी हो गया। और उसके बाद से ये जो रे है ले जाकर इसी फे में जोड़ दीजिए, तो फे के नीचे जेर जुड़कर फी और रे से रा, फिर मुसाफिर, मुसाफिर। अब ये जेर आप लोगों को लिखना नहीं है, मैं आप लोगों को बार बार बताई हूँ कि ज़बर जेर पेश वगैरह नहीं लिखा जाता है। ठीक, जिस तरह यहाँ पर पेश नहीं लिख रहे थे इन सब में, उसी तरह यहाँ पर जेर भी नहीं लिखेंगे और पेश भी नहीं लिखेंगे। ठीक, तो फे के नीचे क्या है, जेर है, मन में मानना है लेकिन लिखना नहीं है, तो मुसाफिर हो गया। आगे बढ़िए सुफियान। सुफियान में सबसे पहला अक्षर क्या है, सू है। सौ उर्दू में क्या कहते हैं, सौ उर्दू में सीन कहते हैं, सीन से सौ हो गया, अब सू है, तो देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो जब छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग उस अक्षर के ऊपर पेश लगा देते हैं तो वो सू की ऊ की मात्रा में बदल जाता है। ठीक, तो सीन के ऊपर पेश लगा दिए तो ये ऊ की मात्रा में बदल जाएगा, सू हो जाएगा। और उसके बाद से फी, फा को उर्दू में क्या कहते हैं, फे कहते हैं,
तो ये देखिए फे लिख दीजिए, फे से तो फ हो गया, यहाँ पर क्या है फी है, और कौन सा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटी वाली ई की मात्रा है, तो जब छोटी वाली ई की मात्रा रहती है तो हम उस अक्षर के नीचे सिर्फ जेर लगा देते हैं, तो फे से तो फ था, इसके नीचे जेर लगा दिए तो ये फी हो गया। उसके बाद से या, यौ को उर्दू में क्या कहते हैं, यौ को उर्दू में छोटी ये कहते हैं, ये है छोटी ये। अब ये से तो यौ हो गया, बट या बनाने के लिए हम इसी ये में अलिफ जोड़ देंगे तो या हो जाएगा। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, जोड़ने के लिए सीन का सबसे पहले आधा भाग उठा दीजिए, ये नोकीदार भाग उठा लीजिए सीन से, ये हो गया आप लोगों का सीन। और सीन के ऊपर क्या कर दीजिए, पेश तो है ही है, मतलब सीन के ऊपर क्या है, पेश है, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, सीन के ऊपर पेश जुड़कर सू, और उसके बाद से फे का ये आधा भाग उठा लीजिए, फे का आधा भाग उठा लिए, और फे के नीचे तो जेर है ही है यहाँ पर, लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं। तो देखिए सीन के ऊपर पेश है तो सू, और फे के नीचे जेर है तो फी, सू फी। और उसके बाद से ये जो ये है, मैं आप लोगों को बताई हूँ, जब किसी दूसरे अक्षर में जुड़ती है तो ये अपना शकल चेंज कर लेती है, और अपना शकल चेंज करके ये छोटी ये ऐसे बन जाती है, ठीक। तो यहाँ पर भी ये छोटी ये है ना, ऐसा शकल चेंज कर लेगी और ये आकर ऐसे यहाँ पर जुड़ जाएगी, ठीक। तो देखिए ये से क्या हो गया, यौ। अब या बनाने के लिए इसी ये में ये जो अलिफ है ले जाकर ऐसे जोड़ देंगे, ठीक। तो ये में अलिफ जुड़कर या, और ये नून जो है ले जाकर लास्ट में चिपका दीजिए, तो नून से ना। तो देखिए सीन के ऊपर क्या है, सू, पेश है तो सू हो गया, पेक नीचे क्या है, जेर, तो सू फी, और उसके बाद से ये में अलिफ जुड़ कर या और नून से ना, तो सू फी या ना, सुफियान, सिंपल। आगे बढ़िए कबूतर, कबूतर में सबसे पहला अक्षर क है, क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, तो यहाँ पर काफ लिख दीजिए। उसके बाद से क्या है, बू, ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, ठीक, बे लिख दीजिए, लेकिन यहाँ पर क्या है, बू है, कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो अब यहाँ पर ध्यान दीजिए, यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, बू में बड़ा वाला ऊ की मात्रा है। तो जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा में किसी भी हर्फ, किसी भी अक्षर को बदलना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, उस अक्षर, उस हर्फ के ऊपर पेश तो लगाते ही लगाते हैं, उसके साथ साथ उस अक्षर में वाव जोड़ देते हैं, ठीक। तो बे में वाव और पेश जुड़कर बू हो जाएगा, और उसके बाद से त, त को उर्दू में क्या कहते हैं, त को उर्दू में ते कहते हैं, तो लिख दीजिए। और उसके बाद से र है लास्ट वाला अक्षर, र को उर्दू में रे कहते हैं, अब इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए काफ का आधा भाग उठा लीजिए, यहाँ पर देखिए काफ का आधा भाग उठा लिए तो क हो गया, काफ से क। उसके बाद से ये बे का आधा भाग उठा लीजिए, ऐसे बे का ये आधा भाग उठा लिए, और बे के ऊपर तो पेश है ही है, और उसके बाद से ये ले जाकर वाव बे में ऐसे जोड़ देना है। तो बे में वाव और ऊपर पेश तो है, तो बे में वाव और पेश जुड़कर बू, बड़ा वाला बू हो जाएगा। उसके बाद से ये जो ते है, ते का आधा भाग उठा लीजिए, ते का आधा भाग उठा लिए, और इसी में रे ले जाकर ते में जोड़ दीजिए, तो ते में और रे जुड़कर तर। तो देखिए क और बे में वाव और पेश जुड़कर बू, और ते में रे जुड़कर तर, तो क बू तर, कबूतर, सिंपल, कितना आसान है, ठीक। आगे बढ़िए मजबूर, मजबूर में सबसे पहला अक्षर क्या है, म, म को उर्दू में मीम कहते हैं, तो यहाँ पर फटाफट मीम लिख दीजिए, मीम से म हो गया, ज है, ज को उर्दू में जीम कहते हैं, तो यहाँ पर लिख दीजिए, जीम से ज हो गया। उसके बाद से बू है, ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं, तो यहाँ पर बे लिख दीजिए, बे से तो ब हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है, बू है, कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा है बू में, तो क्या करेंगे, बे के ऊपर पेश तो लगाएंगे ही लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ देंगे, तो बे में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला बू हो जाएगा। और उसके बाद से र है, र को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। अब देखिए सबको जोड़िए, मीम का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, देखिए मीम से हो गया आप लोगों का म, और उसके बाद से जिम का ये आधा भाग उठा लीजिए, जिम से हो गया ये ज, सिर्फ ऊपर वाला आधा भाग उठाए ही, देखिए ये हो गया आप लोगों का मीम से म और जिम से ज, मज हो गया। अब देखिए बे का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, बे का आधा भाग उठा लिए, बे के ऊपर तो पेश है ही है ये वाला, लेकिन उसके साथ वाव भी जोड़ना है ना, तो बे में ये वाव ले जाकर जोड़ दीजिए, तो बे में वाव और पेश जुड़कर बू हो गया, बड़ा वाला बू। और उसके बाद से ये जो रे है, र ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, ठीक। तो देखिए मीम से जा, मीम से म, जिम से जा, मज, और बे में वाव और पेश जुड़कर बू और रे से रा, मज बू र, मजबूर, ठीक। आगे बढ़िए जादूगर, जादूगर में सबसे पहला अक्षर क्या है, जा, ज को उर्दू में क्या कहते हैं, जिम कहते हैं, जिम से ज हो गया। अब जा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे, उसके बाद से दू है, द को उर्दू में क्या कहते हैं, द को उर्दू में दाल कहते हैं। दू बनाने के लिए देखिए यहाँ पर कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो जब बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, उस हर्फ, उस अक्षर के ऊपर पेश तो लगाते ही लगाते हैं, उसके साथ साथ वाव जोड़ देते हैं, ठीक। और उसके बाद से ग, ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, तो गाफ लिख दीजिए। और उसके बाद से र है, र को उर्दू में
रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए जिम का आप लोग जानते हैं आधा भाग इस तरह उठा लिया जाता है, उठा लीजिए। जिम से ज हो गया, जा बनाने के लिए अलिफ जोड़ दिए, जिम अलिफ जोड़ कर जा। अब देखिए दाल उठा लीजिए, दाल के ऊपर तो पेश ही है, बस ये जो वाव है दाल में ऐसे जोड़ देना है। तो दाल में वाव और पेश जुड़कर दू हो गया, बड़ा वाला दू। और उसके बाद से ग का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, ऐसे ग का आधा भाग। और उसके बाद से ये जो र है रे ले जाकर गाफ में जोड़ देना है। तो देखिए जिम में अलिफ जुड़कर जा, दाल में वाव और पेश जुड़कर दू, बड़ा वाला दू, और गाफ से ग और रे से र, गर। तो जा दू गर, जादूगर। ठीक, आगे बढ़िए। गुलशन, गुलशन में सबसे पहला अक्षर क्या है? गु। ग को उर्दू में क्या कहते हैं? गाफ कहते हैं। तो यहाँ पर गाफ लिख दीजिए, गाफ से ग हो गया, लेकिन यहाँ पर क्या है? गु है। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है? तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है। छोटा वाला ऊ की मात्रा में किसी भी हर्फ, किसी भी अक्षर को बदलना होता है तो हम लोग क्या करते हैं? उस अक्षर के ऊपर सिर्फ पेश लगा देते हैं। तो ये गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गु हो जाएगा। और उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में क्या कहते हैं? लाम कहते हैं। लाम से ल हो गया। और श है, श को उर्दू में देखिए तलाबे श है ना, तो इसको, इस श को उर्दू में हम लोग बड़ी शीन कहते हैं। तो बड़ी शीन से ये हो गया आप लोगों का तलाबे श। और उसके बाद से न है, न को उर्दू में क्या कहते हैं? नून कहते हैं। नून लिख दीजिए। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आसानी से गुलशन भी आप लोग लिख लेंगे। ठीक है, बस मैं आप लोगों को जिस तरह, अब जितने भी ये चार अक्षर से मिलकर बने शब्द हैं, आप लोग जिस तरह मैं आप लोगों को बताई, आप लोग सीक्वेंस समझ गए होंगे कि हाँ इस तरह लिखना है। अब आप लोग खुद से भी ये जितने भी शब्द हैं आसानी से लिख सकते हैं। अब मेरे लिखने से पहले आप लोग खुद उर्दू में लिखिए, और फिर मैं जब आप लोग लिख दे रही हूँ तो इसे मिलाने की कोशिश कीजिए कि आप लोग सही मतलब लिख पा रहे हैं कि नहीं उर्दू में। ठीक, और कहीं पर भी उर्दू का शब्द, कोई भी उर्दू का सेंटेंस लिखा है तो उसको पढ़ने की भी कोशिश कीजिए। ठीक, जितना ही आप लिखने और पढ़ने की प्रैक्टिस करेंगे उतना ही जल्दी आप उर्दू को सीख पाएंगे। ठीक, प्रैक्टिस मैटर्स मस्ट, बहुत ज़्यादा मायने रखता है प्रैक्टिस। ठीक, तो चलिए गुलशन देखिए, अब इन सबको जोड़िए। देखिए आप लोग जानते हैं गाफ का ये आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए गाफ का आधा भाग उठा लिए। और गाफ के ऊपर क्या है? पेश तो है ही है, हम लोग लिखेंगे नहीं, तो गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गु हो गया है। और उसके बाद से लाम का ये आधा भाग उठा लीजिए, इतना तो उठाकर यहाँ पर लाइए। देखिए ये लाम से ला हो गया, गाफ के ऊपर पेश है तो गु और लाम से ला। उसके बाद से शीन का आधा भाग उठा लीजिए, शीन का आधा भाग उठा लिए। ये देखिए गाफ के ऊपर पेश है तो गु, लाम से ला और शीन से शा। और ये जो नून है ले जाकर इसी शीन में जोड़ दीजिए। तो देखिए कितना आसानी से गुलशन लिखा गया। देखिए गाफ के ऊपर पेश है गु, लाम से ला गुल, और शीन से शा और नून से ना शन, गुल और शन, गुलशन। सिंपल, आगे बढ़िए। चुपचाप, चुपचाप ये तो बहुत ज़्यादा लिखना आसान है। चौ, चू है सबसे पहला अक्षर, तो चौ उर्दू में क्या कहते हैं? चे कहते हैं, लिख दीजिए। ये हो गया आप लोग का चे से चौ। चू बनाने के लिए देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है? तो यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो छोटा वाला ऊ की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं? सिर्फ उस अक्षर के ऊपर पेश जोड़ देते हैं। तो चे के ऊपर पेश जोड़कर चू हो गया। उसके बाद से प है, प उर्दू में क्या कहते हैं? पे कहते हैं। उसके बाद से चा है, चौ को उर्दू में क्या कहते हैं? चे कहते हैं। चा बनाने के लिए क्या करेंगे? इसी चे में अलिफ जोड़ देंगे। और उसके बाद से प है, प को उर्दू में क्या कहते हैं? पे। ठीक है, तो अब इन सबको जोड़िए। कि आप लोग जानते हैं चे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। देखिए ये हो गया आप लोगों का चे, चे के ऊपर तो पेश ही है, यानी कि चे के ऊपर पेश जुड़कर ये हो गया चू। और उसके बाद से ये जो पे है पूरा का पूरा लाकर यहाँ पर चे में जोड़ दीजिए। तो देखिए पे से प, चे के ऊपर पेश जुड़ कर चू और पे से प, चुप हो गया। और उसके बाद से ये वाले चे का आधा भाग उठा लीजिए फिर से, और देखिए चे से चा हो गया। चा बनाने के लिए जो अलिफ है इसी चे में जोड़ दीजिए, चा हो गया। उसके बाद से प, ये जो पूरा का पूरा पे है ले जाकर यहाँ पर जोड़ दीजिए, चिपका दीजिए। तो देखिए चे मेरे जुड़ कर चा और पे से प, चाप, चुप और चाप, चुपचाप। सिंपल, कितना आसान है। आगे बढ़िए। गुपचुप, गुपचुप में सबसे पहला अक्षर क्या है? गु। गौ को उर्दू में क्या कहते हैं? गाफ कहते हैं, लिख दीजिए। गाफ से ग हो गया। गु बनाने के लिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है? छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो गाफ के ऊपर सिर्फ पेश लगा देंगे, गु हो जाएगा। उसके बाद से प है, प को उर्दू में क्या कहते हैं? पे कहते हैं, तो पे से प हो गया। उसके बाद चू है, चौ को उर्दू में चे कहते हैं। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है चू में? तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो चे के ऊपर क्या कर देंगे? सिर्फ पेश लगा देंगे, तो चू हो जाएगा, छोटा वाला चू। और उसके बाद से प है, प को उर्दू में पे कहते हैं। देखिए इसको भी लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। गाफ का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, गाफ का आधा भाग उठा लिए। गाफ के ऊपर क्या है? पेश तो है ही है, हम लोग लिखेंगे नहीं, तो गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गु हो गया है। उसके बाद से ये जो पे है पूरा का पूरा इस गाफ में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, जिस तरह ये पे लिखा है उसी तरह लाकर यहाँ पर जोड़ देना है। तो ये हो गया गुप। और उसके बाद से चे का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए। चे के ऊपर तो पेश है ही है, लिखेंगे नहीं हम लोग, चे के ऊपर पेश जुड़कर चू हो गया है। उसके बाद से ये जो पूरा का पूरा पे है ले जाकर यहाँ पर चे में जोड़ दीजिए।
तो चुप हो गया गुप और चुप कितना आसान। आगे बढ़िए गुन 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 तो और भी ज़्यादा आसान है। देखिए गु सबसे पहला अक्षर क्या है, गु। ग को उर्दू में गाफ कहते हैं, लिख दीजिए गाफ से ग हो गया। गु बनाने के लिए देखिए छोटा वाला उ की मात्रा है तो गाफ के ऊपर पेश लगा दीजिए तो छोटा वाला गु हो जाएगा। उसके बाद से न है, न को उर्दू में नून कहते हैं। फिर क्या है गु, तो गाफ से ग। कौन सा वाला उ की मात्रा है तो छोटा वाला उ की मात्रा है तो गाफ के ऊपर क्या करेंगे पेश लगा देंगे। और फिर न है, न को उर्दू में क्या कहते हैं नून, लिख दीजिए। अब देखिए आप लोग जानते हैं गाफ का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये देखिए गाफ के ऊपर तो ये वाला पेश तो है ही है, यानी कि गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गु और उसके बाद से नून जो है ना ले जाकर इसी गाफ में जोड़ देना है। तो ये हो गया गुन, और उसी तरह ये वाले गाफ को भी उठाना है आधा भाग और इसी में नून ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। गाफ के ऊपर तो पेश है ही है तो गुन और गुन 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 कितना सिंपल। आगे बढ़िए बुलबुल। बुलबुल में सबसे पहला अक्षर क्या है, बू। ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं। बे से तो ब हो गया, लेकिन बू बनाने के लिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की मात्रा है तो हम क्या करेंगे ऊपर पेश जोड़ देंगे। बू हो जाएगा छोटा वाला बू, और उसके बाद से ल है। ल को उर्दू में लाम कहते हैं, ठीक। फिर बू है, ब को उर्दू में बे, और बू बनाने के लिए छोटा वाला ऊ की मात्रा है तो पेश जोड़ देंगे। और उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। जोड़ने के लिए बे का आधा भाग उठा लीजिए, बे का आधा भाग उठा लिए, ठीक। और बे के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है तो बे के ऊपर पेश जुड़कर बू हो गया। उसके बाद से लाम ये पूरा का पूरा जो है लाकर इसी बे में ऐसे जोड़ दीजिए। तो देखिए बे के ऊपर पेश है तो बू और लाम से ला बुल, और उसी तरह ये वाले बे का भी हाल करना है आप लोगों को। बे का आधा भाग उठा लेना है, बे के ऊपर तो पेश है ही है, लाम को लाकर ऐसे पूरा का पूरा बे में जोड़ देना है तो बुल और बुल बुल बुल। आगे बढ़िए नूर तारा। नूर तारा में सबसे पहला अक्षर क्या है, नू। न को उर्दू में क्या कहते हैं, नून कहते हैं। नून से तो न हो गया, नू बनाने के लिए बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो नून के ऊपर तो पेश जोड़ेंगे ही जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव जोड़ देंगे। तो नून में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला नू हो जाएगा। उसके बाद से र है, र को उर्दू में क्या कहते हैं, रे कहते हैं। उसके बाद से ता है, त को उर्दू में ते कहते हैं। ते से त हो गया, ता बनाने के लिए इसी ते में अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से रा है, र को उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए रे में भी अलिफ जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़ दीजिए, आसानी से नूर तारा भी लिखा जाएगा। नून का आप लोग जानते हैं आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए। ये हो गया आप लोगों का नून। नून के ऊपर तो पेश है ही है, उसके साथ साथ वाव जोड़ना है ना नून में, तो वाव जोड़ दीजिए। तो नून में वाव और पेश जुड़कर नू हो गया। अब ये जो रे है ले जाकर चिपका दीजिए, तो ये हो गया रे से रा, तो नूर हो गया। उसके बाद से ते का आधा भाग उठा लीजिए, ते का आधा भाग उठा लिए। ते से त हो गया, ता बनाने के लिए जो अलिफ है ते में ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। उसके बाद से रे है, उठा लीजिए रे को, रे में अलिफ जोड़ दीजिए, रा हो जाएगा ता और रा। तो देखिए नूर और तारा, नूर तारा, सिंपल। एक सेक्शन हम लोग कंप्लीट कर लिए, अब बात आती है ये वाले सेक्शन की। देखिए इसमें जो सबसे पहला शब्द है वो है मजबूत। अब हम इसको फटाफट करेंगे क्योंकि इसमें तो आप लोग सीख ही गए कि कैसे लिखना है पढ़ना है उर्दू में। अब यहाँ पर हम लोग फटाफट एकदम फास्ट करेंगे। मजबूत में सबसे पहला अक्षर क्या है, माँ। माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं। मीम फटाफट लिख दीजिए। ज है, ज को उर्दू में ज्वाद कहते हैं। जे से भी ज होता है लेकिन हम लोग ज्वाद का यूज़ करेंगे क्योंकि यहाँ पर नीचे बिंदु है, नीचे बिंदु वाला ज है तो ज को ज्वाद। और उसके बाद से बू। ब को उर्दू में बे कहते हैं, बे से ब हो गया। देखिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है तो बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो बे के ऊपर पेश लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव जुड़ेंगे। तो बे में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला बू हो जाएगा। और त है, त को उर्दू में क्या कहते हैं, ते कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। मीम का आधा भाग उठाना है, उठा लीजिए। मीम से तो माँ हो गया। अब ये जो ज्वाद है, ज्वाद का भी आधा भाग उठाइए, इतना, देखिए इतना, ठीक। तो इतना जब उठाएंगे तो ऐसे होगा, ठीक। मीम से माँ और ज्वाद से ज, और उसके बाद से बे का आधा भाग उठा लेना है। बे का आधा भाग उठा लिए, बे के ऊपर तो पेश है ही है लेकिन हम लोग लिखेंगे नहीं, बस ये जो वाव है बे में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है, ठीक। तो बे में वाव और पेश जुड़कर बड़ा वाला बू हो गया। और उसके बाद से ते जो है पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। देखिए मज, और बे में वाव और पेश जुड़कर बू और ते से ता, मजबूत, ठीक। आगे बढ़िए मुसीबत। मुसीबत में सबसे पहला अक्षर क्या है, मुँह। मौक उर्दू में मीम कहते हैं। मुँह बनाने के लिए कौन सा वाला ऊ की मात्रा है तो छोटा वाला ऊ की मात्रा है तो मीम के ऊपर पेश जोड़ देंगे। और उसके बाद से सी है। सौ को उर्दू में स्वाद कहते हैं तो यहाँ पर स्वाद से सौ हो गया। सीन से भी सौ होता है लेकिन हम लोग स्वाद का यूज़ करेंगे, तो स्वाद से सौ हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है, ई की मात्रा है, सी है, तो कौन सी वाली ई की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है। तो जब बड़ी वाली ई की मात्रा रहता है तो हम लोग क्या करते हैं, छोटी ये जोड़ देते हैं। स्वाद से सौ हो जा रहा था लेकिन स्वाद में जब हम लोग छोटी ये जोड़ दिए तो स्वाद में छोटी ये जुड़कर क्या हो जाएगी, बड़ी वाली सी, ठीक। और उसके बाद से ब है। ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं। और उसके बाद से त है, त को उर्दू में ते कहते हैं, ठीक। अब इन सबको जोड़िए। देखिए मीम का आधा भाग उठाइए जोड़ने के लिए,
मीम का आधा भाग उठा लिए और मीम के ऊपर क्या है, पेज तो है ही है, यानी कि मीम के ऊपर पेज उड़कर मुंह और उसके बाद से स्वाद का आधा भाग उठा लीजिए इतना, ठीक है। तो स्वाद का आधा भाग उठा लिए और ये जो छोटी ये है स्वाद में जोड़ना पड़ेगा तभी तो सी होगी ना, सी बनेगा। तो ये जो छोटी ये है मैं आप लोग को क्या बताई हूँ, अपना शकल चेंज कर लेती है और ऐसा रूप ले लेती है। तो यहाँ पर भी ये यही करेगी, स्वाद में छोटी ये जुड़ेगी ना तो ये छोटी ये शकल चेंज करके ऐसा रूप ले लेगी। तो देखिए स्वाद में छोटी ये जुड़कर बड़ी वाली सी हो गया और उसके बाद से ब है, ब का आधा भाग उठा लीजिए, ये हो गया ब का आधा भाग, और उसके बाद से ये जो त है ते पूरा का पूरा ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए क्योंकि लास्ट वाला अक्षर है ना। देखिए लास्ट वाला जितना भी अक्षर है उसमें क्या है, पूरा का पूरा है। देखिए मुस्कान में लास्ट वाला ना था तो पूरा का पूरा नून लिखा गया था, लास्ट वाला क था तो पूरा का पूरा काफ, त था तो पूरा का पूरा त। लास्ट वाला जो अक्षर होता है ना, अगर लास्ट वाले अक्षर में कोई भी मात्रा नहीं है तो वो पूरा का पूरा लिख दिया जाता है। जैसे कि देखिए नूर तारा में क्या था, लास्ट वाले अक्षर में मात्रा था आ की मात्रा, इसीलिए इसके लास्ट में जो है ना अलिफ जुड़ गया। लेकिन जितने भी अक्षर हैं लास्ट वाला, जैसे कि जादूगर में लास्ट वाला र है तो पूरा का पूरा र लिखा है, न है गुलशन में तो पूरा का पूरा न, प है तो पूरा का पूरा प, मतलब लास्ट वाला जो अक्षर होता है ना वो पूरा का पूरा लिखा जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मीम के ऊपर पेज जुड़कर मुँह और स्वाद में छोटी ये जुड़कर बड़ी वाली सी हो गया, यानी कि मीम के ऊपर पेज जुड़कर मुँह और स्वाद में ये जुड़कर सी और बे से ब और ते से त, तो मुँह सी ब और त मुसीबत, ठीक। आगे बढ़िए चबूतरा, चबूतरा में सबसे पहला अक्षर क्या है, च। च को उर्दू में क्या कहते हैं, चे कहते हैं, लिख दीजिए चे से तो च हो गया, उसके बाद से बू है, ब को उर्दू में बे कहते हैं, कौन सा वाला ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा है तो बे के ऊपर पेश जोड़ेंगे उसके साथ साथ वाव जोड़ देंगे, उसके बाद से त है, त को उर्दू में ते कहते हैं, ते से त हो गया, और उसके बाद से रा है, रा को उर्दू में क्या कहते हैं, रा को उर्दू में रे कहते हैं, रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। अब देखिए चे का आधा भाग उठा लीजिए जोड़ने के लिए, चे का आधा भाग उठा लिए, चे से च हो गया, उसके बाद से बे का आधा भाग उठा लीजिए और चे में जोड़ दीजिए, तो बे जुड़ गया, उसके बाद से बे के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, बस वाव जोड़ देना है बे में, तो बे में वाव और पेश जुड़कर बू हो गया, और उसके बाद से ते का आधा भाग उठा लीजिए, ते का आधा भाग उठा लिए, ते से त हो गया, और इसी में ये जो रे है ले जाकर इसी ते में जोड़ दीजिए, रे से रा, रे में अब अलिफ जोड़ देना है तो रे में अलिफ जुड़कर रा हो जाएगा। तो देखिए चे से च और बे में वा और पे जुड़कर बू, च बू और ते से त और रे में अलिफ जुड़कर रा, तरा, च च बू तरा, चबूतरा, ठीक। आगे बढ़िए लूटपाट, लूटपाट में सबसे पहला अक्षर लू, ल को उर्दू में क्या कहते हैं, लाम कहते हैं, लाम से ल हो गया, लू की मात्रा में बदलने के लिए बड़ा वाला ऊ है तो लाम के ऊपर पेश जोड़ेंगे और फिर वाव जोड़ देंगे, उसके बाद से ट, ट को उर्दू में टे कहते हैं, इस तरह टे लिखा जाता है, और उसके बाद से पा है, पा को उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं, पा बनाने के लिए इसी पे में अलिफ जोड़ दें, उसके बाद से क्या है, ट, ट को उर्दू में टे कहते हैं, टे ऐसे लिखा जाता है, ठीक। अब देखिए लाम का आधा भाग उठा लीजिए जोड़ने के लिए, लाम का आधा भाग उठा लिए, लाम के ऊपर क्या है, पेश है, बस इसी लाम में क्या कर देंगे, वाव जोड़ देंगे, तो लाम में वाव और पेश जुड़कर लू हो गया, और देखिए टे जिस तरह लिखा है उसी तरह लाकर ऐसे जोड़ दीजिए, चिपका देना है आप लोग को। देखिए लाम में वाव और पेश जुड़कर लू और टे से था, लूट हो गया। अब पे का आधा भाग उठा लीजिए, पे का आधा भाग उठा लेंगे और उसी पे में क्या कर देंगे, अलिफ जोड़ देंगे, तो पा हो जाएगा, और टे का, टे जो है पूरा का पूरा लिख दीजिए, तो पा, पे में अलिफ जुड़कर पा और टे से ट, तो लूट और पाट, लूट पाट, ठीक। लहसुन, लहसुन में सबसे पहला अक्षर ल, ल को उर्दू में लाम कहते हैं, उसके बाद से ह है, ह को उर्दू में हे कहते हैं, छोटी है, उसके बाद से सू है, स को उर्दू में सीन कहते हैं, सू बनाने के लिए छोटा वाला ऊ की मात्रा है तो यहाँ पर सीन के ऊपर क्या करेंगे, सिर्फ पेश जोड़ देंगे, उसके बाद से न है, न को उर्दू में नून कहते हैं, अब इन सबको जोड़ दीजिए, लाम का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लिए, ठीक, लाम से ल हो गया। अब ये जो हे है मैं आप लोगों को बताई हूँ, अपना दूसरे अक्षर में जोड़ती है ना तो अपना शकल चेंज करके ऐसे रूप ले लेती है, ठीक है, इस तरह। तो यहाँ पर भी ये जो है ऐसा ही करेगी, ये जो है आकर ऐसे रूप ले लेगी, ठीक। तो ये हो गया लाम से ल और हे से ह। अब सीन का ये आधा भाग जो है उठाइए, एक दो तीन, तीन ठो ये कोना निकालना है, नोक निकालना है, ठीक। तो देखिए एक दो तीन, तीन ठो निकल गया, सीन से स हो गया, और सीन के ऊपर क्या है, पेश है तो सू, और उसके बाद से ये जो नून है इसी सीन में ले जाकर ऐसे जोड़ देना है। तो देखिए लाम से ल और हे से ह, लह और सीन के ऊपर क्या है, पेश है तो सू और नून से ना, सुन, तो लह और सुन, लह सुन।
ठीक, इस तरह लहसुन लिखा जाता है। आगे बढ़िए कुलदीप, कुलदीप में सबसे पहला अक्षर क्या है, क, क को उर्दू में काफ कहते हैं, लिख दीजिए काफ से क। उसके बाद से ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। दी, द को उर्दू में दाल कहते हैं। दी बनाने के लिए देखिए कौन सी वाली ई की मात्रा है, तो यहाँ पर बड़ी वाली ई की मात्रा है, तो दाल में क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ देंगे, तो बड़ी वाली दी की मात्रा में बदल जाएगा। उसके बाद से प है, प को उर्दू में क्या कहते हैं, पे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, काफ का आधा भाग उठाया जाता है, तो काफ का आधा भाग उठा लिए, काफ से क हो गया। लेकिन यहाँ पर कु था ना, तो कु बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, छोटा वाला वो की मात्रा है, तो काफ के ऊपर पेश जोड़ते हैं, तो काफ के ऊपर पेश जुड़ गया, तो कु, यहाँ पर भी काफ के ऊपर क्या है, पेश है कु। और उसके बाद से लाम का आधा भाग उठा लीजिए और इसी में जोड़ दीजिए काफ में। तो देखिए काफ के ऊपर तो ऑलरेडी पेश है ही है, तभी तो छोटा वाला कु हुआ है, तो कु और लाम से ला कुल हो गया। अब देखिए इसी लाम में ये जो दाल है ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए, ठीक। अब दाल से तो दा हो गया, दी बनाने के लिए छोटी ये तो जोड़ना पड़ेगा, तो दी बनाने के लिए छोटी जो ये है अपना शकल चेंज कर लेती है और ऐसा रूप ले लेती है, तो यहाँ पर भी ऐसे करेगी, ये जो छोटी ये है अपना शकल चेंज करेगी और ऐसे रूप ले लेगी। देखिए दाल में छोटी ये जुड़कर दी, और देखिए ये जो पे है पूरा का पूरा ले जाकर इसी ये में ऐसे जोड़ देना है। तो देखिए काफ में, काफ के ऊपर पेश है, तो कुल आम से ला कुल, और दाल में छोटी जुड़कर दी और पे से पा, तो कुल दी पा, कुलदीप, ठीक। आगे बढ़िए कुमकुम, पहला अक्षर है कु, क को उर्दू में क्या कहते हैं, काफ कहते हैं, काफ लिख दीजिए, काफ से क हो गया। कु बनाने के लिए छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो काफ के ऊपर पेश जोड़ देंगे। और उसके बाद से म है, म को उर्दू में मीम कहते हैं। उसके बाद से फिर कु है, क को उर्दू में काफ, और उसके ऊपर पेश लगा दीजिए, कु छोटा वाला कु हो जाएगा। उसके बाद से म, म को उर्दू में मीम कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए, इसको तो लिखना बहुत ज़्यादा आसान है। देखिए काफ का आधा भाग उठा लीजिए, उठा लिए, काफ के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, यानी कि काफ के ऊपर पेश जुड़कर कु, और मीम जो है ये पूरा का पूरा ले जाकर इसी काफ में ऐसे यहाँ पर ऐसे जोड़ दीजिए, तो काफ के ऊपर पेश जुड़कर कु और मीम से मकुम। और इसी तरह इस काफ का भी हाल आप लोगों को करना है, काफ का आधा भाग उठा लेना है, काफ के ऊपर पेश है और ये जो मीम है इसी काफ में ऐसे लाकर ऐसे पूरा का पूरा जोड़ देना है, ठीक है। तो ये हो गया आप लोगों का कुम और कुम, कुम कुम। लेकिन यहाँ पर एक चीज़ आप लोग ध्यान दीजिए, बहुत बड़ी बात है, जब काफ के ऊपर पेश था तो आप कुम पढ़ रहे थे, काफ के ऊपर पेश था कुम कुम, यानी कि देखिए मैं फिर से यहाँ पर लिख दे रही हूँ, काफ के ऊपर पेश था तो कुम और कुम, कुम कुम पढ़ ले रहे थे। लेकिन जब इसी काफ के ऊपर से आप लोग पेश हटा दें और मैं आप लोग को ज़बर लगा दूँ इसी काफ के ऊपर, और इस काफ के ऊपर से भी पेश हटाकर ज़बर लगा दूँ, तब इसको क्या पढ़ा जाएगा, काफ के ऊपर पेश, काफ के ऊपर ज़बर लगकर क और मीम से म, कम और कम, इसको कम और कम भी तो पढ़ सकते हैं ना, इसको कुम कुम भी पढ़ा जा सकता है और कम कम भी पढ़ा जा सकता है, बस ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कब आप इसको कम और कम पढ़ेंगे और कब इसको कुम कुम पढ़ेंगे। अगर सिचुएशन है कि थोड़ा कम कम इसको यूज़ करूं, तो वहाँ पर आप इसको कम और कम पढ़ेंगे। लेकिन अगर कुमकुम की बात आती है, जो औरतें लगाती हैं, कुमकुम का अर्थ होता है, ठीक है, तो तब उसको आप लोग क्या पढ़ेंगे, कुमकुम पढ़ेंगे। मतलब इसके माध्यम से मैं आप लोगों को ये समझाने की कोशिश कर रही हूँ ना, कि कुछ ऐसे उर्दू के शब्द होते हैं जिस पर अगर आप लोग पेश भी लगा देंगे ना तो भी उसका मतलब समझ में आएगा, उसके ऊपर ज़बर भी लगा देंगे तो भी उसका अर्थ निकलता है, और इनफैक्ट ज़ेर भी लगा देंगे तो भी उसका मतलब समझ में आता है। लेकिन वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कब उसको क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है। जैसे कि इसको सिचुएशन पर डिपेंड करता है, जब कम कम, कम और कम की बात आएगी तब आप इसको कम कम पढ़ेंगे, जैसे कि थोड़ा कम कम यूज़ करो तब उस वक्त इसको आप क्या पढ़ेंगे, कम और कम पढ़ेंगे। लेकिन कुमकुम की बात आएगी, औरतें जो कुमकुम लगाती उस वक्त आप इसको क्या पढ़ेंगे, कुमकुम पढ़ेंगे। तो ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। इसी तरह ढेर सारे शब्द होते हैं, उस पर ज़बर भी लगा दो तो भी उसका अर्थ निकलता है, और पेश भी लगा दो तो भी अर्थ समझ में आता है, ज़ेर भी लगा दो तो भी मतलब समझ में आता है, बस वो सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कब उसको क्या पढ़ा जाएगा, ठीक है। तो ये आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए मैं इसको मिटा देती हूँ, और देखिए अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है खुदीराम। तो खुदीराम में सबसे पहला अक्षर क्या है, खू। ख को उर्दू में क्या कहते हैं, खे कहते हैं, खे से तो ख हो गया। अब इसको खू यानी कि ऊ की मात्रा है, तो देखिए यहाँ पर कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, एक मिनट, यहाँ पर छोटा वाला ऊ की मात्रा नहीं रहेगा, आई एम सॉरी, यहाँ पर बड़ा वाला ऊ की मात्रा रहेगा, ठीक, खू में। तो खे से तो खा हो गया, बड़ा वाला खू बनाने के लिए खे के ऊपर पेश जोड़ेंगे, उसके साथ साथ वाव जोड़ेंगे, ठीक। और उसके बाद से दी, द को उर्दू में क्या कहते हैं, दाल कहते हैं। दी देखिए कौन सा वाला ई की मात्रा है, बड़ा वाला ई की मात्रा है, तो यहाँ पर दाल में छोटी ये जोड़ देंगे, तो बड़ा वाला दी की मात्रा में चेंज हो जाएगा। और उसके बाद से रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं, और उसके बाद से रा बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। फिर लास्ट अक्षर क्या है, म, म को उर्दू में मीम कहते हैं, यहाँ पर मीम लिख दे रही हूँ। अब इन सबको जोड़ दीजिए, ठीक है। देखिए खे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए,
और खे के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, बस ये जो वाव है खे में ऐसे जोड़ देना है। तो खे में वाव और पेश जुड़कर खू हो गया। उसके बाद से ये जो दाल है पूरा का पूरा दाल ऐसे लिख देना है, और दाल से तो द हो गया, दी बनाने के लिए छोटी ये है, दाल में ऐसे ले जाकर चिपका दीजिए। तो खू और दी, खुदी हो गया। अब बस ये जो रे है लाइए, और रे में अलिफ जुड़कर रा बना दीजिए, और ये मीम जो है ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए। तो देखिए, खू दी और रे में अलिफ जुड़कर रा, मीम से राम, खुदी राम, खुदी राम। जानते हैं आप लोग खुदी राम को, भारत को स्वतंत्रता दिलाने के लिए ये भी शहीद हुए थे। ठीक है, आगे बढ़िए। गुजरना, गुजरना में सबसे पहला अक्षर क्या है, गु। गौ को उर्दू में गाफ कहते हैं, गाफ से ग हो गया। गु बनाने के लिए कौन सा वाला उ की मात्रा है, छोटा वाला उ, तो गाफ के ऊपर क्या करेंगे, पेश लगा देंगे। ज है, ज को उर्दू में क्या कहते हैं, जे कहते हैं। और उसके बाद से र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। प्लस ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं। ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। अब इन सबको जोड़िए। गाफ का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, गाफ का आधा भाग उठा लिए। और गाफ के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, यानी कि गाफ के ऊपर पेश जोड़कर गु, और ये जो जे है ले जाकर इसी गाफ में ऐसे जोड़ दीजिए। ठीक है, तो गु और जे से ज, और ये जो है रे लाकर ऐसे चिपकाइए, और नून का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, और नून में अलिफ जोड़ देना है तो ना हो जाएगा। तो देखिए, गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गु, और जे से ज, और रे से रा, और नून में अलिफ जुड़कर ना, तो गु जर ना, गुजरना। ठीक, आगे बढ़िए। गुरुवार, गुरुवार में सबसे पहला अक्षर क्या है, ग। गु, तो ग को उर्दू में क्या कहते हैं, गाफ। और उसके बाद से कौन सा वाला उ की मात्रा है, तो छोटा वाला उ की मात्रा है, तो गाफ के ऊपर क्या करेंगे, पेश लगाएंगे। उसके बाद से रू है, र को उर्दू में रे कहते हैं। रू है तो कौन सा वाला उ की मात्रा, तो बड़ा वाला उ की मात्रा, तो रे के ऊपर पेश तो लगाएंगे ही, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे, तो ये बड़ा वाला रू में बदल जाएगा। उसके बाद से वाह है, वाह को उर्दू में क्या कहते हैं, वाह को उर्दू में वाव कहते हैं। वाह बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। रा है, रा को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। देखिए, गाफ का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, गाफ का आधा भाग उठा लिए। गाफ के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, यानी कि गु हो गया। उसके बाद से ये जो रे है इसी गाफ में ऐसे जोड़ दीजिए, और रे के ऊपर तो पेश है ही है, बस रे में क्या करना है, ये जो वाव है ऐसे चिपका देना है। तो गाफ के ऊपर पेश तो है, तो ये हो गया गु, और रे में वाव और रे के ऊपर भी क्या है, पेश है, तो रे में वाव और पेश जुड़कर रू, गुरु। और ये जो वाव है फिर लाइए, और वाव में अलिफ जोड़कर रे बना दीजिए, तो गुरु और वार, गुरुवार, सिंपल। ठीक, आगे बढ़िए। बुधवार, बुधवार में सबसे पहला अक्षर क्या है, बुधवार में बू। ब को उर्दू में क्या कहते हैं, बे कहते हैं। बे से तो ब हो गया। बू बनाने के लिए कौन सा वाला उ की मात्रा है, छोटा वाला उ की मात्रा है, तो बे पर, बे के ऊपर क्या करेंगे, पेश जोड़ देंगे। और ध है, जिस तरह डी से ध और डी एच से ध, उसी तरह उर्दू में दाल से ध और दाल में एच, यानी कि ये वाला हे जोड़ देते हैं, तो ध बन जाता है, तो ये हो गया ध। और उसके बाद से वाह है, वाह को उर्दू में वाव कहते हैं। वाह बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे। र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। अब इन सबको जोड़ दीजिए। बे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, और बे के ऊपर क्या है, पेश तो है ही, यानी कि बे के ऊपर पेश जुड़कर बू हो गया। और उसके बाद से ये जो ध है, ध में जो दाल है ना, ये लाकर ऐसे बे में चिपका दीजिए, और दाल का, दाल में जो ये है जुड़ा है, बस जिस तरह है उसी तरह दाल के पास चिपका दीजिए। देखिए, बे के ऊपर पेश है बू और ध, बुध हो गया। और उसके बाद से ये जो वाव है, ये लाना है ऐसे, इसी हे में ऐसे लाकर ऐसे चिपका देना है। ठीक, ये जो वाव है इसी हे में ऐसे जोड़ देना है। ठीक, वाव से तो वाह हो गया। वाव बनाने के लिए जो अलिफ है, वाव के पास चिपका दीजिए, और रे से रा। तो देखिए, बे के ऊपर पेश जुड़कर बू और ध, बुध, और वाव में अलिफ जुड़कर वा, रे से रा, बुध और वार, बुधवार। ठीक, आगे बढ़िए। बुनकर, बुनकर में सबसे पहला अक्षर क्या है, बू। ब को उर्दू में क्या कहते हैं, ब को उर्दू में बे कहते हैं। और उसके बाद से देखिए कौन सा वाला उ की मात्रा है, तो यहाँ पर छोटा वाला उ की मात्रा है, तो बे के ऊपर क्या करेंगे आप लोग, पेश जोड़ देंगे। और उसके बाद से न है, न को उर्दू में नून कहते हैं। क है, क को उर्दू में काफ कहते हैं। और र है, र को उर्दू में रे कहते हैं। इन सबको जोड़िए। बे का आधा भाग उठाया जाता है, उठा लीजिए, और बे के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, यानी कि बू। और उसके बाद से नून है, ले जाकर ऐसे चिपका दीजिए, तो ये हो गया बुन। और उसके बाद से काफ का आधा भाग उठा लीजिए, काफ से क हो गया, और ये जो काफ में जो है ना रे, ले जाकर ऐसे जोड़ दीजिए। देखिए, बे के ऊपर पेश है तो बू, और नून से ना बुन और कर, बुन कर। लेकिन जब इसी बे के ऊपर से पेश हटा देंगे, ये जो पेश लगा था, पेश हटाकर यहाँ पर जबर लगा देंगे ना, तो इसको बनकर भी पढ़ा जाने लगेगा। ठीक, तो दोनों पढ़ा जा सकता है, सिचुएशन पर डिपेंड करता है कि कब आप इसको बनकर पढ़ रहे हैं और कब इसको बुनकर पढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर हम लोग बुनकर लिखे हैं, तो बुनकर ही पढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़िए। छुआछूत, छुआछूत में सबसे पहला अक्षर क्या है, छू। छ को उर्दू में जिस तरह सी एच से छ, और सी एच में एक और एच जोड़ देते हैं, यानी कि सी डबल एच से छ, उसी तरह उर्दू में चे से छ होता है। ठीक, चे से छ, और इसी चे का आधा भाग मिटाकर चे में एच, यानी कि इस तरह हे जोड़ देते हैं, तो चे में एच यानी कि हे जुड़कर ये हो गया आप लोगों का छ। अब इस छ
यहाँ पर क्या है, छू है, यानी कि छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो छ के ऊपर क्या कर दीजिए, पेश लगा दीजिए, तो छू हो जाएगा। उसके बाद से आ है, औ को उर्दू में एन कहते हैं, चलिए, और एन से आ हो गया। आ बनाने के लिए अलिफ जोड़ेंगे, छू है, छ को उर्दू में क्या कहते हैं, अभी मैं बताई, इस तरह लिखा जाता है छ, और बड़ा वाला छू है, यानी कि बड़ा वाला ऊ की मात्रा है, तो छ के ऊपर पेश तो लगाएंगे, उसके साथ साथ वाव भी जोड़ेंगे, और उसके बाद से त है, त को उर्दू में ते कहते हैं। अब देखिए, छ जिस तरह लिखा है उसी तरह लिख दीजिए, ये हो गया छ के ऊपर क्या है, पेश है, यानी कि छू हो गया। और उसके बाद से ये जो एन है अपना शकल चेंज करके ऐसे रूप ले लेता है, तो यहाँ पर जो है ऐसा ही रूप ले लेगा, ठीक है। ज़रा इसको ध्यान से समझिएगा, मैं आप लोगों को समझाऊंगी भी। ये हो गया एन, एन से तो अ हो गया, लेकिन आ बनाने के लिए इसी एन में अलिफ जोड़ देंगे, तो एन में अलिफ जोड़कर आ, छू आ हो गया। अब जिस तरह छ लिखा है वहाँ पर वैसे ही लिख दीजिए, एक मिनट रुक जाइए, हाँ, तो ये हो गया छ। छ के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, बस छ में वाव जोड़ देना है, और ये जो त है पूरा का पूरा लाकर ऐसे जोड़ दीजिए, तो ये छः में वाव और पेश जुड़कर छू, और ते से त छूत, ठीक है। अब लेकिन यहाँ पर ध्यान दीजिए, इस तरह उर्दू में छुआछूत नहीं लिखा जाता है। उर्दू में छू आ छूत नहीं होता है, छू वा छूत होता है। देखिए, आ के जगह वा होता है, ठीक, वा छू वा छूत, ठीक है। और ये जो है वा को उर्दू में वाव कहते हैं, तो एन के जगह वाव आ जाएगा, वाव में अलिफ जुड़ कर वा होगा। तो यहाँ पर जो है ना, ये एन नहीं रहेगा, छः इस छ में वाव जुड़ा रहेगा, और वाव में अलिफ जुड़ कर वा हो जाएगा। तो देखिए, छ, छ के ऊपर क्या है, पेश है, तो छू, और वाव से वा, और वाव में अलिफ जुड़ कर वा, तो छू और वा, छुआ, और छः में वा और पे जुड़ कर छू और त, छुआ छूत, छुआ छूत होता है, ना कि छुआ छूत, छुआ छूत, छू आ छूत नहीं, छुआ छूत, ठीक है। तो ये हो गया, इस तरह लिखा जाता है उर्दू में छुआछूत। आगे बढ़िए, गुनगुना, गुनगुना में सबसे पहला अक्षर क्या है, गू। गा को उर्दू में क्या कहते हैं, गाफ कहते हैं, गाफ से तो गा हो गया। उसके बाद से छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो गाफ के ऊपर पेश जोड़ देंगे। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून कहते हैं, और उसके बाद से फिर गू है, गा को उर्दू में गाफ कहते हैं। कौन सा वाला ऊ की मात्रा है, छोटा वाला ऊ की, तो गाफ के ऊपर पेश जोड़ देंगे। उसके बाद से ना है, ना को उर्दू में नून, ना बनाने के लिए अलिफ जोड़ देंगे। उसके बाद से गाफ का आधा भाग उठा लीजिए, आप सबको जोड़िए, गाफ का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, उठा लीजिए गाफ का आधा भाग उठा लिए, गाफ के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, और नून का भी आधा भाग उठा लीजिए ऐसे। तो देखिए, गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गु, और नून से ना गुन हो गया। अब ये गाफ जो है ना, इसका भी आधा भाग उठाइए ऐसे ऐसे, ठीक। और गाफ के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, यानी कि गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गु, और फिर ये नून का आधा भाग ऐसे उठा लेना है ऐसे, नून से ना, और नून में अलिफ जोड़ दीजिए ना। तो देखिए, गाफ के ऊपर पेश जुड़ा है, तो गाफ के ऊपर पेश जुड़कर गु, और नून से ना गुन, और फिर गाफ के ऊपर पेश है, तो गु, और नून में अलिफ जुड़कर ना, तो गुन गु ना, गुनगुना, ठीक। आगे बढ़िए, मुल्तानी, मुल्तानी में सबसे पहला अक्षर क्या है, मुँह। माँ को उर्दू में क्या कहते हैं, मीम कहते हैं, मीम से माँ हो गया। मुँह बनाने के लिए छोटा वाला ऊ की मात्रा है, तो पेश लगा देंगे। ल है, ल को उर्दू में लाम कहते हैं। ता है, त को उर्दू में ते कहते हैं, ता बनाने के लिए ते में अलिफ जोड़ देंगे। नी है, न को उर्दू में नून कहते हैं, नी बनाने के लिए। देखिए, कौन सा वाला ई की मात्रा है, छोटी वाली ई की मात्रा है, तो नून में क्या करेंगे, यहाँ पर बड़ी वाली की मात्रा है, तो इस नून में क्या करेंगे, छोटी ये जोड़ देंगे, तो बड़ी वाली नी में ये बदल जाएगा, ठीक। अब देखिए, मीम का आधा भाग उठा लीजिए, बिंदु वाला, तो ये हो गया आप लोग का मीम, और मीम के ऊपर क्या है, पेश तो है ही है, यानी कि मीम के ऊपर पेश जुड़कर मुँह। अब ये जो लाम है, लाम का आधा भाग उठा लेना है ऐसे, तो लाम से ला हो गया, मुल हो गया। अब ते का आधा भाग उठा लेना है आप लोगों को, ये ते का, तो ऐसे ते का आधा भाग उठा लिए, तो ते से तो ता हो गया, लेकिन ते में अलिफ जोड़ दीजिए ऐसे, तो ता हो जाएगा। और उसके बाद से नून का आधा भाग उठाइए, अब नून का आधा भाग उठा लिए, इसी नून से तो ना हो गया, नी बनाने के लिए बड़ी वाली नी, तो ये जो छोटी ये है, इसी नून में ऐसे लाकर ऐसे जोड़ देंगे, तो नून में छोटी ये जुड़कर ये बड़ी नी हो जाएगी। तो देखिए, मीम के ऊपर पे जुड़कर मुँह, और लाम से ला मुल, ते में ली जुड़कर ता, और नून में छोटी ये जुड़कर नी, तो मुल ता नी, मुल्तानी, ठीक। तो इतने सारे चार अक्षर से मिलकर बने ऊ मात्रा वाले शब्दों को हम लोग उर्दू में लिखना और पढ़ना सीखे। अब इस तरह से आप लोग हज़ारों शब्द क्रिएट कर सकते हैं। अब आप लोगों का होमवर्क यही है, मैं आप लोगों को होमवर्क दे रही हूँ, आप लोगों का होमवर्क ये है कि चार अक्षर से मिलकर बने ऊ मात्रा वाले 10 शब्द को सबसे पहले आप लोग को अपने कॉपी में हिंदी में लिख लेना है, और फिर उसको आप लोग को उर्दू में लिखना और पढ़ना है। इस तरह आप लोगों को प्रैक्टिस होगी, और कहीं पर भी आप उर्दू लिखा हुआ देखिए, उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। अंदर से चाह होनी चाहिए, प्रेरणा होनी चाहिए, जोश जुनून होना चाहिए उर्दू को पढ़ने की, तब आप लोग सबसे मतलब बहुत जल्द आप लोग उर्दू सीख जाएंगे। वो मोटिवेशन होना चाहिए, जोश जुनून, ठीक, पढ़ने लिखने की। उतना ही, जितना ही ज़्यादा आप लोग प्रैक्टिस करेंगे ना, जितना ही ज़्यादा पढ़ने की चाह रखेंगे अपने अंदर,
सीखने की चाह रखेंगे उतना ही जल्दी आप लोग उर्दू सीख जाएंगे। सबसे बड़ी चीज़ होती है मतलब चाह, मोटिवेशन सबसे बड़ी चीज़ होती है। तो वो आप लोगों के अंदर अगर है तो आप लोग बहुत जल्द सीख जाएंगे। और इनफैक्ट मैं आप लोग को जितना अभी तक पढ़ा चुकी हूँ ना, मान लीजिए आप लोग 50% से ज़्यादा आप लोग उर्दू पढ़ चुके हैं। अब कहीं पर भी आप उर्दू लिखा हुआ देखिए, पढ़ने की कोशिश कीजिए, आई थिंक आप लोग पढ़ पाएंगे। ठीक है, ज़बर ज़ेर पेश वगैरह पहचानने की कोशिश कीजिए, लगा कर अपना सेंस माइंड यूज़ कीजिए और उसको पढ़ने की कोशिश कीजिए। ठीक है, तो ये था आप लोगों का पूरा चार अक्षर से मिलकर बने उ मात्रा वाला शब्द। कोई भी कंफ्यूजन हो इससे रिलेटेड आप हमें कमेंट कर पूछ सकते हैं। बाकी मैं आप लोग को जो कुछ भी समझाई, अगर समझ में आया है तो वीडियो को लाइक तो बनता है, फटाफट वीडियो को लाइक करें और चारों तरफ शेयर करें, अपने पड़ोसी अपने दोस्तों के पास जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा शेयर करें, ताकि हर वो इंसान, हर वो बंदा जो उर्दू को सीखना चाहता हो वो इस चैनल के माध्यम से उर्दू को सीख सके, पढ़ लिख सके। ठीक, तो आप अपना भी योगदान दीजिए उर्दू को बढ़ावा देने में। मैं हमेशा कोशिश करती हूँ कि आप लोगों को बेहतर से बेहतर कंटेंट तैयार करके दूँ और बेहतर तरीके से मैं आप लोगों को समझा सकूँ। ठीक, तो ये थी बात। और अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। सब्सक्राइब कर लेने के बाद बेल आइकन की घंटी को दबाकर ऑल का ऑप्शन क्लिक कर लेना है। उससे होगा ये कि मेरी रोज़ आने वाली ऑल वीडियो का ऑल नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँचेगा। ठीक, तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद और खुदा हाफिज़।